नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार के आर्थिक परिदृश्य में सकारात्मक तथ्य सामने आया है कि बिहार के चमड़ा उत्पादों का निर्यात रूस और दूसरे देशों में भी किया जा रहा है। बिहार में निर्यात का यह नया सेक्टर है। टेक्सटाइल्स और लेदर इंडस्ट्रीज को बिहार के लिए विदेशी मुद्रा कमाने वाला नया सर्वाधिक संभावनाशील सेक्टर माना जा रहा है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का असर अडानी ग्रुप पर अभी भी दिखाई दे रहा है। बीते 20 दिनों से भारी नुकसान झेल रहे ग्रुप ने शॉर्ट सेलर फर्म से आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी के साथ ही अपना पूरा फोकस डैमेज कंट्रोल पर लगा दिया है। इसके लिए कर्ज चुकाने से लेकर लागत में कैश बचाने तक का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शेयरों में आई सुनामी के चलते हुए नुकसान के बाद अडानी ग्रुप ने अब अपना रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट को 40% से घटाकर करीब आधा कर दिया है। 28 से 29 जनवरी को दरभंगा में बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी। प्रदेश प्रभारी विनोद तावरे ने ऐलान किया था कि पार्टी ने 40 में से 38 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से कभी कोई भी समझौता नहीं करेगी। अब बीजेपी अपने इसी एजेंडे पर आगे बढ़ा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से नीतीश को ललकारने की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया। 14वें एयरो इंडिया शो में प्रचंड तेजस समेत कई जेट ने उड़ान भरे। इस एयर शो में विमानन के क्षेत्र में भारत के विकास और इसकी रक्षा क्षमताओं को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री की बेंगलुरु में यह अब तक का सबसे बड़ा एयर शो है। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल की सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच खूनी संघर्ष की घटना घटी है। दो जवानों के बीच का विवाद इतना बढ़ गया है कि एक जवान ने दूसरे जवान के ऊपर गोली चला दी। इस घटना में एसएसबी के एक जवान को गोली लगी है और जख्मी हालात में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन में महमूद मदनी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया। मदनी ने भारत को इस्लाम का जन्म स्थान बताया। इसी के साथ मदनी ने ये भी कहा कि भारत का सबसे पुराना धर्म इस्लाम ही है। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी है। फागु चौहान की जगह अब राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर बिहार के नए राज्यपाल होंगे। गोवा के रहने वाले अरलेकर फिलहाल हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और फिर गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके अरलेकर ने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी वह गोवा में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार भी माने जाते थे, लेकिन अचानक उन्हें सियासी गलियारों से निकलकर राजभवन में जाना पड़ा। सरल और धार्मिक छवि के नेता रहे अरलेकर प्रकृति प्रेमी भी माने जाते हैं। सरकार 6 राज्यों में 9 से 14 वर्ष के लड़कियों को सर्विकल कैंसर रोधी टीका लगाने का अभियान जून में शुरू कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 2.55 करोड़ लड़कियों का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में लव जिहाद के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए भाजपा राज्य की नीतीश सरकार पर उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाएगी। कटिहार में महिला सिपाही हत्याकांड का मामला लव जिहाद के एंगल से जुड़ने के बाद पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है। उन्होंने लव जिहाद को बिहार के साथ साथ सीमांचल के लिए एक गंभीर विषय बताते हुए इस पर विधानसभा सत्र में विशेष कानून बनाने के लिए सरकार से मांग करने की बात कही है। अदानी समूह के शेयरों की बिकवाली के दौरान भारतीय शेयर बाजार में मची उथल पुथल के बाद आ रहे सुधार के बीच एक बार फिर भारत दुनिया के शीर्ष इक्विटी बाजारों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले कुछ समय के लिए फ्रांस इस स्थान पर काबिज हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन की चुनौती वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि परिसीमन पर उनके फैसले का उन मामलों के एक अलग बैच पर असर नहीं पड़ेगा जहां संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती दी जा रही है। राजस्व खुफिया महानिदेशालय के महानिदेशक मोहन कुमार सिंह ने फिक्की कास्केड के सम्मेलन में कहा है कि आज तस्कर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल की तस्करी के लिए जटिल तरीकों व तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। तिब्बत राइट कलेक्टिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2025 तक तिब्बत में 4000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 2035 तक यहां 59 हवाई अड्डे और 300 हेलीपैड भी बनाने में जुटा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और अरविंद कुमार को आज यानी 13 फरवरी को जज की शपथ दिलाई। जस्टिस बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे जबकि जस्टिस अरविंद कुमार गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। आने वाले दिनों में अगर आपका भी
बैंक जाने का प्लान है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है। आरबीआई ने बताया है कि बैंक जाने वाले ग्राहक अपने काम को निपटाने से पहले जारी किए गए लिस्ट जरूर जाकर चेक कर ले। फरवरी सिर्फ 28 दिन का महीना है और इसमें से 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। आने वाले हफ्ते में लगातार 3 दिन बैंक नहीं खुलेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत फिनटेक इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। दरअसल हाल में हुए एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि भारत 9 ऐसे दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पहला स्थान प्राप्त किया, जहां पर पिछले कुछ सालों से फिनटेक प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से विकास हुआ है। इस विकास में हजारों फिनटेक स्टार्टअप और कंपनियों का योगदान है, जिन फर्म ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। आपको बता दें कि इस स्टडी में कई और एशियाई देश भी शामिल है, जैसे नेपाल, पाकिस्तान आदि को भारत ने पीछे छोड़कर अपना स्थान बनाया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के निर्णय लेते हुए 225 शहरों में अपनी सर्विस बंद कर दी है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह 225 छोटे शहरों में अपना सेवा बंद कर इन शहरों से बाहर निकल गई है। कंपनी के अनुसार कुछ छोटे शहरों में ऑनलाइन फूड ऑर्डर को लेकर स्थिति उत्साहजनक नहीं थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। इनकम टैक्स ने ट्वीट में बताया है कि 31 मार्च 2023 तक पैन नंबर को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं इसमें आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ संस्थान को छूट भी दी गई है, उन्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं। सेंट्रल बैंक ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई रोकने के उपायों पर केंद्र सरकार को अपना लेटर सार्वजनिक नहीं किया है। इसका कारण बताते हुए कहा है कि आरबीआई को डर था कि इसे बाजार में उथल पुथल देखने को मिल सकती है और फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आरबीआई की ओर से सरकार को कॉन्फिडेंशियल लेटर्स का सार्वजनिक खुलासा उम्मीदों को खत्म कर सकता है और मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसमिशन को बाधित कर सकता है, जो बदले में विकास की संभावनाओं को कम कर सकता है और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन ने 9 फरवरी को राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान गुस्से में आकर सभापति जगदीप धनखड़ पर उंगली उठा दी है। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद से ही जया बच्चन की खूब आलोचना हो रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खासतौर से बीजेपी के नेता इस वीडियो को शेयर कर बच्चन की निंदा कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में ऋणदाता एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट पर अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है। यह घोषणा एक्सिस बैंक द्वारा आरबीआई की रेपो दर पर 25 बीपीएस से 6.50% की बढ़ोतरी के अनुरूप की गई थी। घोषणा के बाद एक्सिस बैंक अब 7 दिनों से 10 वर्षों में परिपक्व होने वाली जमा पर ब्याज दर प्रदान कर रहा है, जो आम जनता के लिए 3.50% से 7% है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6% से 7.75% तक है। 2 साल से 30 महीने की परिपक्वता अवधि वाले डिपॉजिट बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अधिकतम 8.01% और गैर वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए 7.26% का रिटर्न प्रदान करेंगे। हाल ही में वाहनों पर लगने वाले एक कर के लिए भारत सरकार ने ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने प्राइवेट वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पर लगाया जाएगा। इसके अलावा इस प्रस्ताव के अनुसार यह टैक्स कमर्शियल वाहनों के लिए कम होगा, लेकिन अधिक प्रदूषण वाले शहर में उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन के लिए अधिक होगा। इस टैक्स को प्रदूषण कर या पर्यावरण कर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह उन सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनसे प्रदूषण फैलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय से चिन्हित की गई सड़कों को सही कराने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सभी संबंधित विभागों ने अपनी अपनी सभी सड़कों को लेकर आज्ञा दे दी है। अधिकारी भी इन सड़कों को G20 के पहले दुरुस्त कराने की दिशा में कवायद शुरू कर दिए हैं। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर की आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की निंदा की और पूर्व जज द्वारा स्वीकार करने को बेशरम करार दिया है। बता दें कि जस्टिस नजीर की सेवानिवृत्ति के 40 दिनों के भीतर नियुक्ति को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वह उस 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने नवंबर 2019 में अयोध्या राम जन्मभूमि मामले का फैसला किया था। उनकी नियुक्ति को लेकर महुआ मोइत्रा सहित कांग्रेस के नेताओं ने निशाना साधा है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भारतीय नौसेना में शामिल होने का शानदार मौका है। इंडियन नेवी ने सिविलियन पर्सनल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि से 28वें दिन तक है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 248 पदों को भरा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया शो 2023 में पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा है कि यहां का आसमान इस बात का गवाह है कि देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, यही न्यू इंडिया की हकीकत है। पीएम मोदी ने कहा है कि एयरो इंडिया का 2023 का शो भारत की ग्रोथ स्टोरी का उदाहरण है।
केंद्र सरकार ने रविवार 12 फरवरी को कई राज्यों के राज्यपाल बदले, इनमें एक का नाम काफी चर्चा में है, एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे। खबरें चल रही हैं कि राम मंदिर और नोटबंदी के पक्ष में फैसला देने वाले जजों में एक अब्दुल नजीर भी शामिल थे। आरोप लगा चुकी ये दोनों मामले केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े थे, इसलिए इनके पक्ष में फैसला देने के चलते ही अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा, जिस पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बिना नाम लिए विपक्षी पार्टी को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा है कि देश को निजी जागीर न समझा जाए, भारत संविधान के हिसाब से चलता है। दिल्ली से गुरुग्राम की बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम जारी है। यह एक्सप्रेसवे इस लिहाज से खास है कि यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। दिल्ली से लेकर हरियाणा के खिड़की धौला तक इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 29 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे का 18.9 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। शनिवार सुबह राज्यपाल सीवी आनंद बोस की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजमूदार से मुलाकात के बाद से ही राजभवन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। रविवार की रात को नंदिनी चक्रवर्ती को राज्यपाल के प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक सीवी आनंद सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर सकते हैं। उससे एक रात पहले राज्यपाल ने राज्य सचिवालय को नंदिनी चक्रवर्ती को हटाने की सूचना दी, लेकिन अब तक इस संबंध में राजभवन या नाबान की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में अब चुनावों का रास्ता साफ हो गया। दरअसल जेके में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से सही नहीं है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, महेंद्र कुमार छोटू राजा, बाबूलाल मरांडी, एमडी साकिर हुसैन, महमूद अंसारी, एमडी नौसाद राजा, टू कुमार राज, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान और कुशलेंद्र कुमार सिन्हा। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।